बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करें तुम ठीक हो। मैं हूं साबिर हुसैन, तुम सुनते पे मेरा यूट्यूब चैनल एस एन बिजनेस कंसल्टेंसी। दोस्तों आज असं एक भट्ठे के उत्ते आए हुए हैं, भाईजान भट्ठे का कम करेंगे पेन। इन्हें कि पूछतूँ भट्ठे का बिजनेस कैंजा है, इन्हें उत्ते कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होंगी है, इन्हें उत्ते कितना लेबर कम करें दी है, अच्छा इन्हें उत्ते कितना खर्च आंदे, इनका कितनी आमदन है, ये सारे सवाल ही भाईजान कि पूछते पे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रब दा एहसान है बेहतरीन। अच्छा भाईजान साहब, किने पहले अपना नाम दसे? मेरा नाम अली जान पठान। अच्छा भाईजान, इन जगह दा नाम, तहसील और जिला? तहसील जतोई, जिला मुजफ्फरगढ़, ए जिया ए कलर वाली पुल। अच्छा खान साहब, ए दसे सो तुसा कितने अरसे किने कारोबार करन? ए तकरीबन 2012 तो मैं करेंदा पिया कारोबार। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਤੇ ਬੱਠੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੁਝ। ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਾਂ ਬੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਵਲ ਯਾਰੇ ਦੋਸਤੇ ਦੇ ਤਾਉਨ ਹਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦੇ ਸੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਵਲ ਦਿਲ ਵਧੀਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਈ 2012 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਕੰਮ ਹੈ? अच्छा करो तो अच्छा है, बुरा करो तो बुरा है। मेहनत करे सो तो नाल मजदूर नाल अच्छा करो, इलाके नाल मतलब है सेल अच्छी पकाओ, मियार की क्वालिटी है तो वाल अच्छा है। अगर दो नंबर चीज़ भले सो कोला वगैरह या बुरा गुटका हल्की सेल पके सो वाल हल्का है। खान साहब तो ये भट्ठा कितना रकबे? ये मेरा तकरीबन 15 बीघे जमीन है मुस्ताजरी से लीज से जी, 8 एकड़। खान साहब देर वे भट्ठा लाया सारा सेटअप करने का कितना तुरा खर्च आया है, यानी कि सब कुछ मिलाते एक बट्ठे को तैयार करन? हूँ टाइम क्योंकि सस्ता टाइम है, महंगाई भी कम है इतनी, तो हूँ अल तकरीबन 60-65 लाख रुपया मेरा लगे आई, मतलब मैं सेटअप स्टार्ट किया जी हाँ। तो आजकल अगर बंदा लावना चाहे तो हूँ कितना लग सी एक अंदाजे के मुताबिक? आजकल देखो क्योंकि हर चीज़ महंगी है, मिट्टियाँ भी महंगी हैं, मिसाल भी महंगे हैं, तो हूँ गाल को देख दे 1 करोड़ रुपया तुम्हारी जेब हो काम को वाल हाथ पाओ। ए खान साहब, तुसा मटीरियल जरे भट्ठे दे विच सेल तैयार करन दे वे ए क्या क्या इन दे विच, यानी कि मटीरियल होंदे जेड़ा सेल को पकेंदे? हर इलाके दी अपनी रूटीन होंदी है, जिवें मुल्तान मुजफ्फरगढ़ उत्थे कोयला ते बूरा बलदा पे, साडे कोले बूरा गुटका होंदे, मड बकास भी होंदी है जी हाँ। ये चीज़ें नाल असां पकेंदे आ क्योंकि इत्थां रत्ती सेल या लाल सेल जिहड़ी बनदी है ओह गाहक घट पसंद करदे हन जी हाँ। साढ़े कोल ज़्यादा सफेद कलर वाली सेल होती है, इलाका जी कुछ चाहते असं हूँ हिसाब नाल तैयार करें दे खड़े हैं जी हाँ। कितों मंगवेंदे वे गुटका वगैरह ते चीज़ा? ये डीलर होंगे खानगढ़ भी आते, मुजफ्फरगढ़ भी आते, या जिम्मे मिले चु निकलते शेख शुगर मिल है, फातमा है मकसद है, ये जिम्मे मिल होंगे सिंध भी भी बाद औकात माल आवेंदे, तो जिमें जिमें व्यापारी हैं डीलर हैं सब माल दे इतना असं उन्हें पेमेंट नकद इतना अदा करने हैं। ट्रक का हिसाब होंगे ना? ट्रक का हिसाब भी बाद औकात चीज़ होंगी है, तो अक्सर जड़ी चीज़ें आज मणक के हिसाब से आज यही टाइम तो बुरा गुटका महंगा है, 320 रुपये सब पहुँच ही पे, तो जड़े वे अंबे का सीजन हुए हूँ टाइम सस्ता होंगे, क्योंकि अगर हूँ वाले इन्वेस्टमेंट पैसा हो तो हूँ टाइम खेन के अज महंगी गिनाने की नौबत ना पौधी है। मिट्टी कितों मंगवा सेले वास्ते? ये असा इलाके दे हैं जिते असा को अच्छी मिट्टी होंगी है, क्वालिटी वाली मिट्टी होवे, शोर ना होवे, अच्छी मिट्टी बाग वाली होवे, तो असा उतू गेना दे हैं, लेकिन साढ़े इलाके दे विच क्योंकि गास मिट्टियां ज्यादा हैं, बहरहाल असा कोशिश करें दे हैं अच्छी मिट्टी होवे जैसे पैदारी सेल चंगी सेल तैयार थी वे, ताकि हमें गाहक की साको शिकायत ना मिले। एक ट्राली मिट्टी कितने दी तो पैवें? भाई जान आजकल क्योंकि डीजल महंगा है और महंगाई है, पहले सब 700-600 ट्राली आवे जी, हूँ मेरी ट्रालियाँ चल जा पेन, आज भी चल जा पेन 1050 रुपये नाल पहुँच थी पी एक ट्राली दी मिट्टी दी जी हाँ, आज सामने चल जा रहा है ट्रालियाँ माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, ये दसो तो जो तुरा भट्ठा है एट ए टाइम तुरा भट्ठे के कितना सिला पकवे ने? ये कच्ची सिल साड़ी जड़ी है क्योंकि छोटा भट्ठा है, 4.5 लाख तो 5 लाख आवेंदी है जी, भला उन्हें वो दोम अलहदा थी जंजीरा खंगर वगैरह ये चीज़ा अलहदा थी, उन्हें सब 4-4.25 लाख से साफियान बचती है क्योंकि सर्दियों का सीजन होंगे, इन रोड़ा ज्यादा थी माल खराब ज्यादा थी। अच्छा खान साहब, ये जी 4-5 लाख सेलां पकेंदे इन उत्ते कितना खर्चा आवेंदे?
तकरीबन अजकल जो महंगाई है क्योंकि मिसाले महंगे हैं 13 to 14 lakh रुपये पकई है 10 lakh रुपये कच्ची सेल का खर्चा है 25-26 lakh रुपये का खर्चा थींदा पे वेंदे उते तो आपको चोखा बच वेंदा उते ही एक हिंदे चो भाई जान अगर अच्छा माल तुरा तैयार थी गए नसीब अच्छा है मिस्त्री जलाई वाले मेहनत की है तो हूँ 1.5 lakh भी बचते 2 lakh भी बचते 2.5 lakh तक बच वेंदे अगर जलाई वाले माल हल्का कढ़े तो नुकसान भी थी सकते उल्टा जे अलहमदुल्ला मेरा माल चंगा पकदा खड़ा है और अलहमदुल्ला सही हिसाब नाल सारी रोजी बनती पी और गाहक की शिकायत भी कह नहीं मुनासिब रेट नाल भी देंदे ते अलहमदुल्ला चीज चंगी बने खड़ा है। अच्छा खान साहब सबको ये दस सो ये तुम्हारे बठे दे कितना लेबर काम कर वैसे तो लेबर काफ़ी होंगी है लेकिन जो हूँ खड़े हैं जलाई वाले हैं वो 4 बंदे भी होंगे बाद औकात 5 भी थी वेंदे कितना तनख्वाह होंगी है इन्हें दी लाख कोला तो 1-10,000 तक होंगी है मिट्टी में किराए से सट वा जी सिलां में पहुंच करेंदा हूं मेरे अपने दो ट्रैक्टर ट्रालिया और ड्राइवर रखे हुए ड्राइवर चलेंदे अच्छा खान साहब ये दस सो कि हुकूमत पिछले साल कोई जैग जैग बठे की पॉलिसी कढ़ी है तुसा इन अमल कर असां दू वारी भरई कीती है जैग जैग वाली जड़ी असां कीती है उंदे साडे कोल अद्धा माल दोम पक्के अद्धा अवल पक्के लिहाजा नुकसान चाहते थे हुकूमत पॉलिसी कढ़ी है पिछले साल असां 4-5 lakh दे खर्चे कीते न बिलोर लवाएन उन्हें पहले आखे ये चीज़ें वल ई साल ये सुनिए थे 9-10 महीने परचे भी लोगों के थींदे पैन ते असां आप जड़ी पकई है सारे नुकसान साडा थी गए इनके तुहाडी नज़र ये फायदेमंद चीज़ कह नहीं ना साडे हिसाब नाल तकरीबन 2-4 दोस्त बिने भी इया गाल कीती अभी ये नुकसान थी गई ने सारा तुसा हुकूमत को क्या अपील करना चाहंदे वे ई मामले हुकूमत को असा ये अपील कर सकदे अगर मुकम्मल रेक रेक करवावें तो हर बठे वाले को 40-50 lakh रुपया लोन दिता वंजे ते हुंदे वास बल ओ यानी के इंदी हेकतम सारे मिस्त्रियों को समझ नहीं लगदी ना भराए नहीं समझ लगदी कहीं ज्यादा असा रत्ता माल दोम पका खड़दे हैं कहीं ज्यादा खंगर थी वे सारे कोलो अगर हुकूमत तावन करवे थी तो वल शायद बठे वाले चांस हैं रिस्क हैं घिन सैन तो बहर ई हिसाब नाल जिवें होने वो सख्ताई करें दन ई हिसाब नुकसान है क्योंकि अगे भी बठा इंडस्ट्री नुकसान है जिवें पे कि खास कह नहीं सारे नाल तावन थी ना पे। अच्छा तुसा ए दसे तो खान साहब कि तुसा अपने काम के मुतमईन है वे कहना जी अलहमदुल्ला मैं तो मुतमईन हां। अच्छा अगर कोई बंदा एक कारोबार करना चाहे बठे दा उंदे को क्या मशवरा दे सकदा उन्हें को ये मशवरा देसा वो अंधा धुंध काम ना शुरू करें जा को देखें तजर्बा करें इवें अगर उन्हें दी जेब 50 lakh 1 crore इवें वांच के मिट्टी जाया कर देसन भी उन्हें कोई मफाद कहना मिलती वो कितना के ट्रेनिंग करें 6-6 महीने लावें उन काम को देखें वाल वांच के जाद लोकेशन देखें वाल लावें सा कोई इतराज कहनी अलहमदुल्ला रोजी है अल्लाह ताला देना पे ते कितना ही भी लावे बहरहाल तजर्बा होवे पैसा होवे तो वाल लावें। अच्छा अगर वो बंदे कि पैसा भी होवे तजर्बा भी होवे लोकेशन भी अच्छी होवे क्या इंदे चो महाना अच्छा खासा बच सकते बिल्कुल बच वे सी इंशाल्लाह जी हाँ क्यों कहना बचती मेहनत करे सी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करें पे 1 crore करे 80 lakh करे साल द ना ही बचती 20 lakh 30 lakh 40 lakh ही बचावे सी। अच्छा खान साहब इंदे चो कोई नुकसान का खर्चा तो नहीं होता जी हाँ ये बठा तो वाहिद काम है जिंदे नुकसान पहले तो नफा बाद थोड़ा एक्सप्लेन इंदा नुकसान ये एक इंदा स्टेरिंग है बे दे हाथे च जलाई वाले चलेंदे खड़े हैं और रात सुम वंजन माल उन्हें रत्ता कर सकते हैं मिसाला बाल के तुरा 14-15 lakh दा कच्ची सेल निकल गई है जरी 25-24 हज़ार की ट्राली है वो तुम्हारी विकसी 13-14 हज़ार 15 हज़ार की ट्राली या अगर बारिश आ गई है भरई बहाने का खतरा होंगे तो माल पीड़े मेरे ही पिछले 9-10 महीने बारिश ये 3 lakh सेल मेरी खड़ी है तकरीबन 3-4 lakh रुपया उन्होंने लागत लाई खड़ी वो मेरी पूरा पानी फेर के एक सेल भी नहीं बची उन्हें वो भी नुकसान है सारा जे ये चीज़ा हो जन बठे को बाकी तो दुनिया के बस वो निज़ाम चलते पिया यानी कि बंदा अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो अपना नफा नुकसान को सामने रखते सारा कुछ ये रिस्क कम है लिहाजा नफा ही मिलसी लेकिन नुकसान को भी पहले सामने रखे सी भी इन ये नफे नुकसान होंगे जी हाँ। अच्छा खान साहब तुरा बहुत बहुत शुक्रिया तुसा सकूँ अपना कीमती टाइम दिते असा को ही टाइम दो इजाज़त मिलते हैं एक नवी वीडियो के नाल अल्लाह हाफिज़।